हेलो स्टूडेंट्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के ऊपर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये था, इसके ऊपर अभी आप याद करें तो राजनाथ सिंह जी ने एक टिप्पणी की थी कि ये पॉलिसी जो है ज़रूरी नहीं कि हमेशा रहे। और मनोहर पर्रिकर जी ने भी इसके ऊपर बोला था कि भी नो फर्स्ट यूज़ जो पॉलिसी है ये चेंज हो सकती है सरकमस्टेंसेस के हिसाब से। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, इसके ऊपर हमने इसलिए काफ़ी क्वेश्चंस बनाए हैं। और कोशिश हमारी ये है, एक यूनिक आइडिया है हमारा जो कि बाकी चैनल्स जैसा नहीं है, वो बहुत ही यूनिक आइडिया है कि हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरा टॉपिक समझाते हैं। इससे आपकी पूरी तैयारी भी हो जाती है और साथ में आपको समझ में आ जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन वन आप देख सकते हैं अभी अपनी स्क्रीन पर, व्हेन वॉज दी नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन फॉर्मली अडॉप्टेड। तो ये जो एक क्वेश्चन है ये एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, January 4, 2003, January 4, 1998, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, January 4, 2003। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि इसका एक ये जो डॉक्ट्राइन है इसका एक ड्राफ्ट वर्जन August 17th को 1999 में निकाला गया था। पर जो इसका क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें पूछा है कि फॉर्मली अडॉप्ट या औपचारिक रूप से इसे कब अपनाया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ये January 4, 2003 को अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर है ए। तो याद रखिए, फिर भी अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि ड्राफ्ट वर्जन कब बना था इस डॉक्ट्राइन का, तो वो है 17th August 1999, पर फॉर्मली अडॉप्ट हमने इसको January 4, 2003 में किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। तो आप ये देखिए, इसमें ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन जो आंसर इसका सही है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो नो फर्स्ट यूज, मैसिव रिटेलिएशन और क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, ये तीनों तीन मेन कॉम्पोनेंट्स हैं हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के। तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ ताकि साथ साथ में आपकी तैयारी भी हो जाए। तो NFU जो नो फर्स्ट यूज़ है उसका मतलब है कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ सिर्फ किसी दुश्मन के न्यूक्लियर वेपन के यूज़ करने के जवाब में ही करेगा। तो पहला यूज़ इंडिया नहीं करेगा, इसका मतलब ये है। मैसिव रिटेलिएशन का मतलब है कि हालांकि इंडिया न्यूक्लियर वेपन का यूज़ सिर्फ दुश्मन को जवाब देने के रूप में ही करेगा, पर वो जवाब इतना विशाल होगा, इतना भयंकर होगा कि दुश्मन का अनएक्सेप्टेबल डैमेज कर देगा। तो दूसरे का मतलब ये है। तीसरा, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस जो है इसका मतलब है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी संख्या या उनकी क्वांटिटी सिर्फ उतनी ही होगी जो पहले दो पॉइंट्स को संतुष्ट कर सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप नोट करके रखें। इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थ्री। तो ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं हम इसको थोड़ा सा। एज पर द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया, इंडिया विल ओनली यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन रिस्पॉन्स टू अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी और इंडियन फोर्सेज। मतलब कि इंडिया जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ हो। तो क्या ये सही है कि गलत है? इसका आंसर है फॉल्स, ये गलत है। तो एज पर द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, इंडिया कैन ऑल्सो यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन केस ऑफ अ केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक। तो सिर्फ न्यूक्लियर अटैक के रिस्पांस में नहीं, केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक अगर कोई इंडिया के ऊपर कर दे खुदा ना खास्ता, तो उस केस में भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल इंडिया कर सकता है। ये हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में दर्ज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फोर। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर्स इन द नेबरहुड ऑफ इंडिया। तो हमारे नेबरहुड में कौन सी न्यूक्लियर पावर्स हैं? आप देखिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, मतलब कि चाइना और पाकिस्तान, ये दो न्यूक्लियर पावर्स हैं हमारी नेबरहुड में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन फाइव, ये आप देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अडॉप्टेड द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। कौन सी कंट्रीज ऐसी और हैं जो जिन्होंने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई है? ये चार ऑप्शन हैं, इसका आंसर आप सोचिए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी, चाइना। तो चाइना ने जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है वो 1964 में पहले डिक्लेयर की थी और इन्होंने मेंटेन की है ये पॉलिसी नो फर्स्ट यूज़ की।
तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको याद रखिए। सिर्फ इंडिया नहीं है जिसने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाई है, यहाँ पे चाइना भी है जिसने नो फर्स्ट यूज़ चाइना पॉलिसी को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन सिक्स में हमने लिखा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसीज व्हाट डज C4ISR मीन। तो इसका मतलब है, ये इसमें ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हमने ये बताया है, बिकॉज ये भी रिलेटेड है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन से। तो इसका मतलब है, C4 का मतलब कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशंस। तो ये C4ISR का मतलब ये है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन 7 जो है वो भी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, इंडिया इज अ नॉन सिग्नेटरी टू दी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT जिसको कहते हैं। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है कि गलत है? तो इसका आंसर है, ये सही स्टेटमेंट है, इंडिया ने NPT को साइन नहीं किया है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि और कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने NPT को साइन नहीं किया है, तो उसका आंसर है इसराइल नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान और साउथ सूडान, इन्होंने भी NPT को साइन नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल क्वेश्चन 8 जो है वो है, इंडिया ने न्यूक्लियर डिवाइस को डेटोनेट कब किया था? तो इसमें चार ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर है आंसर डी। तो मतलब कि ए बी और सी दोनों सही हैं, मतलब पहले जो हमने न्यूक्लियर डिवाइस को डेटोनेट किया था वो 1974 में किया था, और उसके बाद 1998 में किया है। तो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन 9th ये है, अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया इनमें से क्या सही है? आप देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं, आप इसको पढ़िए। तो इसका सही आंसर है सी, इंडिया विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बट इन केस ऑफ बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स इंडिया विल रिटेन द ऑप्शन ऑफ रिटेलिएटिंग विद न्यूक्लियर वेपन। मतलब कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के अगेंस्ट इंडिया न्यूक्लियर वेपन तो यूज़ नहीं करेगा, पर अगर कोई बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक करता है तो चाहे वो अटैकर जो है वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी हो, तब भी इंडिया न्यूक्लियर वेपन के साथ उसके ऊपर रिटेलिएट कर सकता है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट इसको याद रखना ज़रूरी है, फाइन पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है, और क्योंकि ऑप्शंस जो आंसर की ऑप्शंस हैं वो क्लोज होती हैं तो नहीं पता चलता बच्चों को क्या आंसर करें, तो ये आंसर सी है इसका, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कमांड कंट्रोल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस रिगार्डिंग इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल और ऑपरेशनल डिसीजंस जो हैं न्यूक्लियर वेपन के रिलेटेड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसका आंसर है सी, द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NCAI भी कहते हैं इसको। ये 2003 में बनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो अभी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है हम उसके बारे में थोड़ी सी और जानने की कोशिश करेंगे कि और वो क्या करती है, और वो क्वेश्चंस के द्वारा हमारी यूनिक अप्रोच के थ्रू। तो द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी कंसिस्ट्स ऑफ पॉलिटिकल काउंसिल एंड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको हमने ये बताने की कोशिश की है कि भाई इसमें पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दो चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल काउंसिल को हेड कौन करता है? तो इसका आंसर है सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको समझ आ गई कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है 2003 में बनी थी, और इसमें पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, पॉलिटिकल काउंसिल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसा हमने बताया आपको, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कौन हेड करता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA जो है, इस टाइम पर अजीत दोवल हैं, ये हेड करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13th, अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया न्यूक्लियर रिटेलिएटरी अटैक्स कैन ओनली बी ऑथराइज्ड बाय द डैश ऑफ द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। तो कौन, पॉलिटिकल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसको ऑथराइज करता है, कौन अटैक का ऑर्डर दे सकता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ए, पॉलिटिकल काउंसिल। सिर्फ पॉलिटिकल काउंसिल ही ऐसी बॉडी है जो न्यूक्लियर अटैक का
ऑथराइजेशन दे सकती है, और इसका हेड मैंने आपको बता दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो कुछ इनपुट्स देती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को, और जो डायरेक्शन दी जाती है पॉलिटिकल काउंसिल को उसको एग्जीक्यूट करती है, इसलिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो। तो ये इनके फंक्शंस हमने आपको बताए हैं। फिर 14th क्वेश्चन जो है वो है, हु वॉज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ड्यूरिंग पोखरण 2 ऑफ 1998, जो जब हमने पोखरण 2 किया था कौन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उस टाइम पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइम पे 1998 में एनएसए थे, ऑप्शन ए ब्रजेश चंद्र मिश्रा। तो ये भी इस टाइम पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका ये है कि व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ पोखरण 1 ऑफ 1974, इसका नाम क्या था। ये चार ऑप्शंस है, काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं, पर आंसर इसका है ए, तो स्माइलिंग बुद्धा था 1974 के पोखरण 1 का कोड नेम। और इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, और ये जो टेस्ट था ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन कंडक्ट किया गया था। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, पोखरण 2 का कोड नेम क्या था, तो पोखरण 2 का कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। अच्छा चलिए अब 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ, ये देखिए तीन ग्रुप्स का नाम दिया है, इनमें से इंडिया किसका मेंबर है, ये सवाल है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि ये तीनों ग्रुप्स का ऑप्शन इंडिया जो है वो मेंबर है। ये तीनों ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुप्स हैं। तो इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17th क्वेश्चन पे, वो है कि द लेटेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन्स बाय द बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स पॉइंट टू एन आर्सेनल ऑफ, कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं हमारे, बेसिकली ये क्वेश्चन है। ये इसका आंसर जो है, ये देखिए चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आंसर है इसका डी, दैट इज़ 130 to 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं इस टाइम पर हमारे पास, ये लेटेस्ट एस्टिमेट है। फिर क्वेश्चन 18th पे चलते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियाज टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन हमारे पास पड़े हुए हैं, जो हमने 130 और 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात की है, ये इसका कंट्रोल किसके पास है, मैनेजमेंट मेरा मतलब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इसकी किसके पास है। तो ये चार ऑप्शन हैं देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी बुलाया जाता है। ये इंडिया के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का एक पार्ट है, एनसीए, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये 2003 जनवरी 4 को बनाया गया था, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। उस टाइम पे एयर मार्शल तेज मोहन अस्थाना जो थे वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड की, और आज के टाइम पे इनके कमांडर इन चीफ हैं एयर मार्शल नवकरणजीत सिंह ढिल्लो। तो ये देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू थोड़े से और भी चीज़ें बताई हैं, ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 19th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर ट्रू, ये देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सी ठीक है ऑप्शन ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है डी, ये चारों ऑप्शंस ठीक हैं, तो इसको पढ़िए। इसकी मोटिव हमारा ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चंस में मिले, तो ये आप ध्यान से पढ़िए इसको, कि ये तीनों स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सो क्वेश्चन 20th है, ट्रू और फॉल्स अगेन, कि इंडिया नेवर पोजेस्ड केमिकल वेपन्स, क्या इंडिया के पास कभी भी केमिकल वेपन्स नहीं थे, ये सही स्टेटमेंट है कि गलत है। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर फॉल्स है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इंडिया के पास केमिकल वेपन्स थे पहले, पर इन्होंने 2009 में इसको वॉलंटरीली डिस्ट्रॉय किया था अपनी मर्ज़ी से, ये 2009 में डिस्ट्रॉय किए गए थे। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो न्यूक्लियर ट्रायड के ऊपर है, देखिए न्यूक्लियर ट्रायड कंसिस्ट्स ऑफ क्या होता है, लैंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स, सी बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स, एयर बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स, के ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है डी, यानी कि ये तीनों न्यूक्लियर वेपन्स अगर किसी कंट्री के पास हों तो वो न्यूक्लियर ट्रायड उसके पास हो गया, मतलब इसका ये हुआ। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ऊपर क्वेश्चंस, इसको आप ध्यान से याद कीजिए, दिमाग में अपने रखिए, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ,